भारत में सिर्फ 499 रुपये साल का सस्ता सब्सक्रिप्शन देकर अमेज़ॉन ने बाजी मार ली है और पूरी दुनिया के मार्केट में भारत नंबर एक पर आ गया है। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 45% लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो देखते हैं। दूसरी ओर नेटफ्लिक्स भारत में अभी भी पकड़ नहीं बना पाया है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया भर में जारी वीडियोज़ की लड़ाई भारत तक पहुँच चुकी है। दोनों बड़े प्लेयर्स नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम भारतीय बाजार में पकड़ बनाना चाहते हैं। ग्लोबल वेब इंडेक्स के अनुसार अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस की टॉप 5 मार्केट्स के ट्रेंड्स में सबसे पहला नंबर भारत का है, जहां इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 45% सब्सक्राइबर्स अमेज़ॉन पर वीडियोस, फिल्म, सीरियल्स देखना पसंद करते हैं। इस दौड़ में अमेरिका और जर्मनी पीछे रह गए हैं। अमेरिका 28% के साथ दूसरे नंबर पर है और जर्मनी 27% के साथ तीसरे नंबर पर। भारत में इस बढ़ते इंटरनेट के चलन से वीडियो कॉन्टेंट प्रोवाइडर्स का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। संख्या के हिसाब से इस समय अमेज़ॉन के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है और अभी भी इंटरनेट यूज़ करने वाले 55% लोग बाकी है, लेकिन नेटफ्लिक्स की टॉप 5 मार्केट्स में भारत नहीं है। नेटफ्लिक्स का एक महीने का सब्सक्रिप्शन 3 प्लान्स में आता है, 500 रुपये, 650 रुपये और 800 रुपये। यानी एक साल में नेटफ्लिक्स के एक सब्सक्रिप्शन में करीब 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक खर्च होता है। वहीं अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस सिर्फ 499 रुपये में एक साल का सब्सक्रिप्शन देता है, जो भारतीय कंपनियां जैसे हॉटस्टार से भी कम है। यही वजह है कि भारत में इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दोनों की ऐप्स में एंड्रॉइड डाउनलोड्स दुनिया भर में 10 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। मार्च 2017 तक नेटफ्लिक्स के भारत में सिर्फ 2 से 3 लाख पेड सब्सक्राइबर्स थे। देखना यह है कि अमेज़ॉन यदि अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाता है तो कितने सब्सक्राइबर्स बचते हैं। हमारे सामने रिलायंस जियो का उदाहरण है, जिसने फ्री सर्विस देकर 10% टेलीकॉम मार्केट पर कब्जा कर लिया, लेकिन नए सब्सक्रिप्शन रेट आने के बाद नए ग्राहक जुटाना मुश्किल हो गया है। गो न्यूज़ ब्यूरो।